खालिस्तान और हिंदू राष्ट्र इनकी तुलना नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया है। जो यहाँ एक राजेश वर्मा जी की कमेंट है कि हिंदू राष्ट्र की बात तो बहुत दूर है, जहाँ हिंदुत्व के पुरोधा हिंदुत्व की शान बापू आशाराम को जेल में डालकर कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब तो हिंदुत्व की सरकार मानी जाती है, जाए तो जाए कहाँ। राजेश वर्मा जी आपके इस कमेंट के लिए धन्यवाद। सुनील जी से हम इस पर बात करेंगे, बिल्कुल उनको एक वीडियो क्लिप भी हम दिखाने वाले, उस पर चर्चा करेंगे। माननीय धनंजय भाई देसाई प्रखर हिंदुत्ववादी, चलिए उनके एक वीडियो क्लिप में आपको दिखा दो, उस पर फिर हम चर्चा करेंगे, आपसे सवाल करेंगे। अब जब हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इन संतों को अंदर रखकर आप हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? आप बिना बाप की पैदाइश कौन है बताइए यहां पे? आप बिना बाप की पैदाइश होंगे तो आपका कुल नाश हो जाएगा। बिन संतों का हिंदू राष्ट्र, संत कारावास में और आप हिंदू राष्ट्र बना रहे? कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? ईसाई मतांतरण वाले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? मुस्लिम लांगुल चालन करने वाले जिहादी आतंकवादियों के तलवे चाटने वाले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? अगर आप हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पित है और सच्चे दिल से भगवद गीता को मानने वाले, शिवलीला को मानने वाले, ऐसे भगवान बुद्ध को पूजा करने वाले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो आसाराम बापू आज राष्ट्रगुरु के पद पर विराजमान होने अत्यावश्यक है। धनंजय देसाई जी ने जो है सवाल मतलब किया है, मतलब आप किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आज पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू कारावास में है, तो ये उन्होंने राजनीतिक लोगों से किया है ऐसा मुझे लगता है, कि जो राजनीतिक लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। पर सनातन संस्था का, अपने हिंदू जन जागृति समिति का इसमें क्या दृष्टिकोण है, क्या कहेंगे आप धनंजय भाई की इस बात पर? जी मनोज जी, यहाँ पे तो सबसे पहले मैं यहाँ बताना उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताना आवश्यक लगता है, इसलिए बताता हूँ कि जब संत श्री आसाराम जी बापू जी है, इनको कारावास में डाला गया, तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पे जुड़े हुए साधक बंधु भी जानते होंगे यहाँ पे, कि टीवी चैनल के डिबेट से लेके किसी गांव में या रास्ते पे उतर के आंदोलन करने तक हिंदू जन जागृति समिति का हर जगह पे योगदान रहा है। और ये बिल्कुल सही यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो राजनीतिक दल है, कुछ राजनीतिक दल खुद को हिंदुत्वनिष्ठ कहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, लेकिन आज संत कारावास में, संतों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो फिर वो पहले निपटना चाहिए, उसको पहले सॉल्व करना चाहिए, और फिर आगे जाके बाकी सभी बातें हो सकती है यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा मानव जी, कि संत जो रहते हैं तो हम सबके लिए ईश्वर का सगुण रूप रहता है, हम सभी जानते हैं, हम सभी की श्रद्धा संतों पे रहती है। मुझे ये बताना है कि शिशुपाल के भी 100 अपराध होने तक भगवान श्री कृष्ण ने राह देखी थी, तो भगवान इस सब की राह देख रहा है। और जब साधु संतों पे अन्याय होते, अत्याचार होता है, तब जाके अपराध पूरे होते, उनके 100 अपराध पूरे होने का समय भगवान देख रहा है। तो यह महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है। और जैसे संतों पे जब अन्याय अत्याचार होते हैं, संतों को कारावास में डाला जाता है, बिल्कुल उसी बात को हमें ध्यान में लेना चाहिए कि जो विरोधी रहते हैं, धर्म विरोधी रहते हैं, जो राजनीतिक दल है जो इसका विरोध कर रहे हैं, बापूजी को जिन्होंने तंग किया है, तकलीफें दी है, कष्ट दिया है, तो उन लोगों के अपराध अभी पूरे होने का समय आ चुका है। और जब संतों को पीड़ा जाता है, संतों के बारे में ऐसी कृति की जाती है, तो उनके अपराध जल्दी से पूर्ण हो जाते हैं, और ये बात हमें ध्यान में लेना आवश्यक है यहाँ पे। इसलिए हम सबकी श्रद्धा अटूट है, हम सबकी श्रद्धा है, इसलिए तो बापूजी कारावास में होने के बावजूद भी कोई पीछे नहीं हटा है, इतने साल से आप सब कर रहे हैं, क्योंकि आप सबकी श्रद्धा है संतों के प्रति है, बापूजी के प्रति है, तो ये हमें निरंतर बना के रखनी है। अब समय आ चुका है, संतों को तो कारावास से मुक्त करने ही वाले सब, वो करना ही पड़ेगा उनको। लेकिन और भी एक बात यहाँ पे ध्यान में लेना आवश्यक है कि आज संतों को कारावास में डाला गया है, इसलिए तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ना। आज जी संत कारावास में है, और जो धर्म विरोधी लोग हैं, जो गोहत्यारे हैं, जो लव जिहादी है, जो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं, गोहत्यारे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए तो धर्म का सम्मान करने वाला, सत्य का पक्ष लेने वाला, सभी हिंदुओं का विचार करने वाला, सभी साधु महात्माओं का सम्मान करने वाला हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनता है, तब तक ये समस्या हल होने वाली नहीं है, तब तक ये समस्या छूटने वाली नहीं है। यानी आप सबके मन में ये विचार आएगा कि पहले कारावास से बापूजी मुक्त होने चाहिए या पहले हिंदू राष्ट्र आना चाहिए, तो बिल्कुल दोनों बातें एक साथ चलने वाली है। जब तक बापूजी कारावास से मुक्त नहीं होते, तब तक हिंदू राष्ट्र का विचार नहीं कर सकते। और दूसरी बात,
कि हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं आता है तब तक संतों पे हो रहे अत्याचार और संतों पे हो रहे ये जो अन्याय है ये दूर नहीं हो सकते, तो सबसे पहले हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि बापूजी नहीं, जैसे हम सब जानते हैं कि आयन दिवाली के मौके पे जो जगतगुरु हमारे थे उनको भी उन्होंने कारावास में डाला था तमिलनाडु में, हम सबको जयेंद्र सरस्वती जी है, बाद में उनको निर्दोष मुक्त किया। यहाँ पे साध्वी प्रज्ञा सिंह जी है, करीबन 8.5 साल के बाद आप उनको निर्दोष कर रहे हैं, उनके जीवन के 8.5 साल क्या आप फिर से भर के देने वाले हैं? तो यह हमें ध्यान में लेना आवश्यक है यहाँ पे कि जो जो संतों पे हुए अत्याचार है अन्याय है इस सब का हिसाब लिया जाएगा, इस सब के कारण आपके ही पाप बढ़ रहे हैं। तो हमें यह ध्यान में लेना चाहिए कि हमें संयम से बात करनी चाहिए, संयम से यह सब देखना चाहिए, और यह सब जो काल के अनुसार भी कुछ बातें होती है, जैसे संतों ने एक साथ बैठ के तो विचार नहीं किया है, लेकिन हर संत बता रहे हैं कि 2025 को हिंदू राष्ट्र आने वाला है। तो मैं निश्चित रूप से यहां बताऊंगा कि हिंदू राष्ट्र आएगा, निश्चित रूप से आएगा, और संतों को जो कष्ट हो रहे हैं जो कारावास में डाला गया है तो उनको भी मुक्त किया जाएगा, ये मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। मानव जी जी बिल्कुल, जय सिंह पुनिया जी, बिल्कुल हमारे समाज में एकता का अभाव है, सबको मांग उठाने की जरूरत है, बापूजी को रिहा करो। जय सिंह पुनिया जी आपको बहुत बहुत साधुवाद, और जो भी दर्शक यहाँ देख रहे हैं सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इसकी लिंक शेयर करें। तो सुनील जी आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, बहुत विस्तृत रूप से आपने आज समझाया है कि हिंदू की क्या व्याख्या है, हिंदू का अर्थ क्या है, हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र का महत्व, उसकी आवश्यकता पूरा विस्तृत रूप से समझा, और बापू जी से जुड़ा जो सवाल हमने इनसे किया तो उसका भी बहुत अच्छे रूप से इन्होंने समाधान किया है कि अब पाप का घड़ा भर रहा है उन लोगों का जो संतों पे अत्याचार कर रहे हैं, बापू जी रिहा भी होंगे, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, और बापू जी जेल में, संत हमारे जेल में, इसीलिए हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। जैसे कि समस्याएं अनेक हैं लेकिन उसका मंच एक है, ध्येय एक है, हिंदू राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत। मनोज जी आह्वान करना चाहूंगा सभी को जी, आप कैसे रहता है कि गोवा में जो अधिवेशन होने वाला है वो 12 जून से 18 जून तक होने वाला है, तो मैं आप सभी भक्तों से, साधकों से आह्वान करूंगा कि क्या है कि पिछले 2.5 साल से अधिवेशन प्रत्यक्ष रूप में नहीं हुआ है, तो इस बार प्रत्यक्ष रूप में अधिवेशन होने वाला है। यहाँ पे संतों पे हो रहे अत्याचारों से लेके धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून की मांग रहेगी, ज्ञान व्यापी मस्जिद के लिए जो कानूनन लड़ाई लड़ रहे हैं वो पूज्य हरिशंकर जी जैन है, जस्टिस फॉर हिंदुओं के लिए जो कार्य करने वाले एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी है, इसके साथ साथ पुनून कश्मीरी संगठना के राष्ट्रीय संयोजक राहुल कौल जी है, जो सीबीआई के माजी डायरेक्टर है नागेश्वर राव जी है, हिंदुओं का शेर जिनको बोला जाता है हैदराबाद भाग्यनगर के राजा सिंह ठाकुर जी है, फिर इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से शदानी दरबार से सिंधी समाज के हमारे परम पूजनीय युधिष्ठिरलाल महाराज जी है, अनिल धीर जी है, ऐसे अनेक मान्यवर, अर्जुन संपत जी है, हमारे ही संप्रदाय आध्यात्मिक संस्था की ओर से भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित रहने वाले हैं। तो मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधि, हमारे बंधु, साधक बंधु यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं, तो मैं आप सभी जुड़े हुए बंधुओं को यह आह्वान करूंगा यहाँ पे कि हम अगर प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पे नहीं आ सकते संख्या के कारण या फिर बाकी कारणों से, लेकिन आप सभी को आह्वान करूंगा कि अधिवेशन पूरा समय तक लाइव किया जाएगा, तो आप सभी अधिवेशन देखिए, आप सभी को यह अधिवेशन देखने के लिए लिंक भेजिए, आपको लिंक देने का एक प्रयास किया जाएगा, मानव जी द्वारा किया जाएगा, हम भी आपको भेजेंगे यहाँ पे, तो जिसके माध्यम से आपको ये लिंक भेजी जाएगी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कीजिए, आप खुद ये ऑनलाइन अधिवेशन देखिए, और किस प्रकार से अभी देश का वातावरण बदल रहा है, देश बदल रहा है, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, यही मैं आपको यहाँ पे कहूंगा, और आप सभी इसमें ऑनलाइन माध्यम से सहभागी हुई है, यही आह्वान मैं आप सभी को करूंगा, इतना ही मुझे यहाँ पे बताना था। और मानव जी आप सभी ने इस लाइव चर्चा सत्र में मुझे सहभागी होने का अवसर प्राप्त करवा के दिया, इसलिए आप सभी का मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ, और गुरुदेव जी के चरणों में, बापू जी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में यहाँ पे मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जी। सुनील जी मुझे भी गुरुदेव की कृपा से 2015 में और 2019 में हिंदू अधिवेशन में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ, और व्यासपीठ से अपने विचारों को रखने का भी मुझे मौका मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि हिंदू अधिवेशन जो है, अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन, हिंदू राष्ट्र अधिवेशन, ये हिंदू राष्ट्र के लिए है, हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए होता है, लेकिन जब
जब जिस समय मैं उस अधिवेशन में उपस्थित था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हिंदू राष्ट्र में ही हूँ, ऐसा एक अनुभूति मुझे हुई कि हिंदू राष्ट्र में ही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, हरिओम, नमस्कार।